Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering, Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all 6th semester Automobile Engineering students of OCBC Scheme 2019 in the subject Automotive Legislation, CO1 Motor Vehicle Act. Today we will discuss about the amendments to MVA 1988. यानी मोटर यान अधिनियम 1988 में जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे. कोर्स आउटकम, छात्र यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करने में सक्षम होंगे और लर्निंग आउटकम में मोटर वाहन अधिनियम के महत्व, इतिहास और संशोधनों के बारे में बता सकेंगे. आउटकम, एट द एंड ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अमेंडमेंट्स टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988. मोटर वाहन अधिनियम 1988 में जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में विद्यार्थी जान पाएंगे, उसकी व्याख्या कर पाएंगे. इन द लास्ट सेक्शन, लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट द मोटर व्हीकल एक्ट 1988. पिछले भाग में हमने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के बारे में पढ़ा, जाना, देखा. आज हम मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बारे में जानेंगे, अमेंडमेंट्स टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988. कंटेंट में यहाँ पर हम देखेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द अमेंडमेंट्स टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो कि 2019 के बाद हुए, 2019 ऑनवर्ड्स, यानी कि यदि हम देखें तो लगभग 30 साल बाद ये हुए हैं. अमेंडमेंट्स में दो प्रकार के अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स विच हैव नो प्रोविजन इन एमवीए 1988, यानी ऐसे संशोधन जिनका मोटर यान अधिनियम 1988 में कोई प्रावधान नहीं था. दूसरा अमेंडमेंट्स वो है जो कि इनको मॉडिफाइड किया है, जो कि 9 से 17 तक है, यानी 1 से 8 तक ऐसे संशोधन है जिसको कि बल्कि ऐड किया है क्योंकि ये पुराने में नहीं थे, जबकि 9 से 17 तक अमेंडमेंट्स जो थे, जो एक्ट में मतलब एक्ट में अवेलेबल थे लेकिन उनको अमेंड्स किया गया है, उन एक्ट्स को संशोधित किया गया है. एंड वी विल सम अप दिस क्लास विद द समरी असाइनमेंट एंड सजेस्टेड रीडिंग. तो पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे प्रोविजंस जिनका कि एमवीए 1988 में कोई प्रावधान नहीं था, ये नहीं थे, उसमें पहला है सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियन एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, पैदल चलने वाले या गैर मोटर चलित परिवहन की सुरक्षा, इसका कोई प्रोविजन 1988 में नहीं था. यहाँ पर धारा 138 या सेक्शन 138 एमवीए है उसको अमेंड किया गया है और एक नया सबसेक्शन 1A ऐड किया गया है विच गिव्स द पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ पेडेस्ट्रियन एंड नॉन मोटराइज रोड यूजर्स इन अ पब्लिक प्लेस. तो एमवीए की धारा, एमवीए मतलब आप वो मत समझिए कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमवीए मतलब मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 138 में नई उपधारा 1A को शामिल करने का प्रस्ताव है इसमें, जो कि राज्य सरकारों को सार्वजनिक स्थान पर पैदल चलने वालों और गैर मोटर चलित सड़क उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों का विनियमित करने की शक्ति देता है. यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा, वैसे तो पहले से होता आया है कि रोड पर पैदल चलने वालों की अलग लाइन हो, साइकिल वालों की अलग हो, तो पैदल और साइकिल वालों के लिए आपने काफ़ी कम जगह देखा होगा, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट्स को उनको ये प्रोविज़न देना है कि सड़क पर यदि चल रहे हों, पैदल हों, उनके लिए अलग लेन हो, और जो गैर मोटर चलित यानी साइकिल्स हों उनके लिए अलग हों, और बाकी मोटराइज्ड व्हीकल्स के लिए अलग हो, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस कम हों. ये पहला प्रावधान था, ऐसे 8 प्रावधान हैं. दूसरे पे बात करते हैं, सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग कम्यूट, यानी यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा. यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें सेक्शन आप देखेंगे 129B, इसमें आप बात करेंगे कि 194B और सेक्शन 129, ये दो पहले वाले में तो सेक्शन 194 को ऐड किया गया, इंसर्शन किया गया है, समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड टू बी सिक्योर्ड बाय अ सेफ्टी बेल्ट और अ चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम. तो यानी धारा 194B में ये समावेश किया गया है कि प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षा बेल्ट या बाल संयम प्रणाली द्वारा सुरक्षित होना अनिवार्य है,
जब भी कोई मोटराइज व्हीकल चलेगा तो उसमें ये ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ 129 सेक्शन जो जिसमें था वियरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव हेड गियर्स प्रपोज, इसमें ये किया गया है कि एवरी चाइल्ड अबव द एज ऑफ 4 ईयर्स बीइंग कैरीड ऑन अ मोटरसाइकिल मस्ट बियर अ हेलमेट द डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप देखिए, एक ये ऐसा विषय है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले को हेलमेट पहनना चाहिए। अगर हम सभी ये पहने तो एक्सीडेंट के कारण जो डेथ होती है वो बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पर यह प्रोविजन किया गया है कि 4 साल से बड़ा बच्चा है उसको भी आप हेडगियर पहनाएं, सुरक्षात्मक टोपी पहनाएं, और वो जो टोपी की डिज़ाइन होगी, हेलमेट होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो आज हम जो देखते हैं कि ड्राइवर ही नहीं पहनता, उसके पीछे वाला जो बैठा हुआ वो क्या पहनेगा, आप बच्चे को ले जा रहे हैं तो उसको भी पहनाना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप, जिससे कि सुरक्षित रहें जो भी मोटराइज व्हीकल में यात्रा करें। तीसरा नंबर का है रिकॉलिंग ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की रिकॉलिंग। अगर मार्केट में कोई व्हीकल आ गया जो कि H1 नाम से नहीं है तो उसको रिकॉल करने का प्रोविजन नहीं था, बट न्यू प्रोविजन 110A और 110B यानी नए प्रावधान 110A और B ऐसे टू एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकॉल व्हीकल्स विच डू नॉट मीट स्टैंडर्ड्स एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेस्टिंग एजेंसीज फॉर इश्यूइंग सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रूवल। हमने जैसा देखा था पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन में कि बहुत सारी एजेंसीज गवर्नमेंट ने की हैं जो कि परीक्षण एजेंसियों की स्थापना कर परीक्षण एजेंसियाँ हैं जो कि प्रोटोटाइप को टेस्ट करके फिर व्हीकल बनता है। अब इस प्रावधान में ये किया गया है कि ऐसे वाहन जिनका प्रोटोटाइप तो पास हो गया लेकिन एक्चुअल व्हीकल में वो मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भी मार्केट से वापस बुलाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को या केंद्र सरकार को दिया गया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इसी डर के कारण बहुत सारे व्हीकल्स जो कि मार्केट में आ जाते हैं उनको रिकॉल करते हैं, किसी में एग्जॉस्ट का प्रॉब्लम होता है, किसी में EMU का प्रॉब्लम होता है। आपने देखा होगा कि वो मतलब जो मोटर वाहन बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने व्हीकल्स को बुलवाते हैं और देखते हैं यदि कोई वो प्रोविजन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो वापस उनको बुला करके उसको कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकता है उनके खिलाफ। तीसरा पॉइंट ये था। चौथे पॉइंट पर बात करें, स्ट्रिंग पनिशमेंट फॉर फॉल्टी रोड डिजाइन इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। आप देखिए, एक्सीडेंट का कारण केवल व्हीकल नहीं है, मोटराइज व्हीकल, बल्कि दोषपूर्ण सड़क डिजाइन इंजीनियरिंग और रखरखाव, इसके लिए सजा का प्रोविजन कर दिया गया है। पहले सजा नहीं होती थी क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। यहाँ पर सेक्शन 198A कर दिया है, इज टू होल्ड रोड कॉन्ट्रेक्टर्स कंसल्टेंट्स और कंसेशनरीज अकाउंटेबल फॉर फॉल्टी रोड डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एंड फेलियर टू डू सो विल लीड देम टू बीइंग फाइंड अप टू ₹1 लाख। यानी इस धारा के अंतर्गत सड़क ठेकेदारों, सलाहकारों या रियायत ग्राहकों को दोषपूर्ण सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए है और ऐसा करने में विफल रहने पर उन पर ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अब हमारे देश में जो सड़क बन जाती हैं उनका बाकायदा मेंटेनेंस भी होता है। पांचवें नंबर का जो है, MVA 88 में नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड नहीं था, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड। ये प्रपोज न्यू सेक्शन 215D में 215D के द्वारा एस्टेब्लिश्ड अ नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। अब बोर्ड क्या करता है, द बोर्ड विल रेंडर एक्टिविटी टू द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ रोड डिजाइन, व्हीकल मेंटेनेंस, रोड मेंटेनेंस, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी ऑफ वल्नरेबल रोड यूजर्स, रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, मोटर व्हीकल स्टैंडर्ड्स एटसेट्रा। तो ये जो नेशनल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड है, प्रस्तावित नई धारा 215D के अनुसार स्थापना होती है इसकी। ये बोर्ड सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर सड़क डिजाइन, वाहन उपरखरखाव, सड़क रखरखाव, सड़क परिवहन के सतत उपयोग, कमजोर सड़क, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी सहित सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन, मोटर वाहन मानक आदि के सभी पहलुओं पर सलाह देता है। तो ये भी एक नया प्रोविजन है। पांचवा,
तीन और हैं इसी प्रकार के। छठवा है ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स, परिवहन एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मतलब समझे आप कि जो कि कैब्स हैं हमारी, आपने देखा होगा ओला उबर जुगनू कितने सारे चल रहे हैं, इनके लिए एमबी एक्ट 88 में कोई प्रोविजन नहीं था, जबकि द न्यू लेजिस्लेशन अंडर सेक्शन 93 इट गिव्स स्टेचुरी रिकग्निशन टू ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स लाइक कैब सर्विस प्रोवाइडर एटसेट्रा। तो धारा 93 के तहत नया कानून परिवहन एग्रीगेटर्स जैसे कैब सेवा प्रदाताओं आदि को वैधानिक मान्यता देता है। इसके बाद हम आते हैं सेवंथ नंबर पर, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय परिवहन नीति। इसमें न्यू प्रोविजंस जोड़े गए हैं 66A और 66B टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट अ नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स। तो नए प्रावधान 66A और 66B राज्यों के परामर्श से राष्ट्रीय परिवहन नीति को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाते हैं। आठवां जो प्रोविजन 88 में नहीं था, पेनल्टी मल्टीप्लायर नहीं था। आपने देखा होगा कि अगर आप हेलमेट नहीं पहने तो 100 रुपये का लगता है, ये 88 में कब बनाया गया था। तो अब क्या कर दिया है, द प्रपोज सेक्शन 210A गिव्स पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई अ मल्टीप्लायर नॉट लेस देन 1 एंड नॉट ग्रेटर देन 10 टू बी अप्लाइड टू ईच फाइन। प्रस्तावित धारा 210A राज्य सरकारों को प्रत्येक जुर्माने पर लागू होने के लिए गुणक 1 से कम नहीं और 10 से अधिक नहीं निर्दिष्ट करने की शक्ति देती है। यानी कि यदि हम इसको देखें, सपोज आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना है और उसका फाइन 500 रुपये है, तो स्टेट गवर्नमेंट 500 रुपये ले सकती है या 500 से लेकर के 500 में 2 का गुणा करें तो 1000 और आखिरी में 10 से ज़्यादा नहीं कर सकती तो 5000। यानी 500 से 5000 रुपये तक का फाइन करने की पावर राज्य सरकारों को दी गई है। सेक्शन 120 भी आल्सो इम्पोज अ पेनल्टी ऑन एनी इन्फोर्सिंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। धारा 210B इस तहत किसी भी प्रवर्तन प्राधिकारी पर जुर्माना भी लगाती है। इट वुड हैव टू पे ट्वाइस द पेनल्टी कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफेंस अंडर द एक्ट। उस अधिनियम के तहत उस अपराध के अनुरूप दुगुना दंड देना होगा। यानी कि यदि आप ये मानते हैं कि आपने टेबल में पढ़ा के भाई हेलमेट के 500 रुपये हैं या 1000 रुपये हैं, तो आप बोल रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा नहीं, 1000 से कम तो कोई नहीं लेगा, लेकिन दुगुना लग सकता है 2000। या यहाँ राज्य सरकार है, एक राज्य पता चला 1000 ले रहा है, दूसरा 2000 ले रहा है और एक तीसरा 10000 ले रहा है, तो ऐसा हो सकता है। ये पेनल्टी मल्टीप्लायर यानी दंड गुणक है, 1 से लेकर के 10 तक आप इसका गुना कर सकते हैं। तो ये वो प्रोविजन थे 1 से लेकर के 8 तक, जिनका कि मोटर यान अधिनियम 1988 में कोई प्रावधान नहीं था, नए प्रावधान जोड़े गए और इनका उद्देश्य एकमात्र ये है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, एक्सीडेंट्स में कमी करना। अब आइए जो पहले से थे संशोधित प्रावधान, उनमें जो है पहले से जो थे, अब अपन देखते हैं 9 नंबर का, ट्रांसपोर्ट सेंट्रलाइज एंड एफिशिएंट ड्राइवर्स लाइसेंसिंग सिस्टम, पारदर्शी केंद्रीकृत और कुशल चालक लाइसेंस प्रणाली। तो लाइसेंस प्रणाली की जहां तक बात है, ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली, ये मोटर व्हीकल एक्ट 88 में थी, चैप्टर 2 में थी, एमबीए रिलेट्स टू लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल, ये था। इस एक्ट में क्या होता था, अंडर द एग्जिस्टिंग एक्ट द लेक ऑफ अ सेंट्रलाइज डेटाबेस ऑफ ऑल लाइसेंस इन मोटर व्हीकल्स अक्रॉस इंडिया लेड टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन में है मल्टीपल लाइसेंस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। इस नियम के अनुसार यदि देखा जाए, चूंकि सेंट्रलाइज नहीं था, तो एक आदमी अलग अलग स्टेट में जाकर के बहुत सारे लाइसेंस रख सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में सभी लाइसेंस और मोटर वाहनों के केंद्रीकृत डेटाबेस की कमी थी। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट की कमी थी, जिसको कि सुधारा गया है। और इसमें दूसरे पॉइंट ये भी था उसी में एमवीए 88 में कि सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 93 एग्जेम्प्ट्स एप्लीकेंट्स ऑफ ड्राइवर लाइसेंस टू टेक द टेस्ट ऑफ कंपटीशन इफ ही शी पजेस अ ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें दूसरा प्रावधान ये भी था कि चालक लाइसेंस के आवेदकों को सक्षमता की परीक्षा लेने की छूट देता था यदि उसके पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता किसी भी संस्थान द्वारा जारी ड्राइविंग प्रमाण पत्र है। हम सभी जानते हैं लाइसेंस लेने के लिए हमको आजकल ये कंपलसरी किया है कि आपको वहाँ पर ट्रायल देना होगी। पहले ये था कि यदि किसी संस्थान है जिसने आपको सर्टिफिकेट दे रखा है तो उसको ट्रायल नहीं होती थी, ये 88 की है। तीसरा इसमें यह था कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत थी। ये तीन प्रावधान थे। अब इसको कैसे मॉडिफाई किया गया है 2019 में, ये देखिए आप, लाइसेंस प्रणाली को डिजिटल किया जाए और आवेदक की पहचान को भी UID के द्वारा जोड़ा जाए, यानी आधार के द्वारा, ये पहली चीज़ की गई। अब इससे क्या होगा कि इससे एक व्यक्ति का केवल एक ही लाइसेंस बनेगा, ऐसा नहीं है पहले की तरह अलग अलग राज्यों से अलग अलग लाइसेंस बन जाए।
So the licensing system would be digitized and the identification of the applicant would also be linked as per the UID mechanism. दूसरा, जो educational qualification compulsory था वो यहाँ पर transport drivers के लिए हटा दिया गया है 9-4 से. आपने देखा था पहले 8th पास या 10th पास हो फिर आप ड्राइविंग कर सकते हैं, तो कई लोग क्लीनर से चलवाते थे जंगल में और खुद रोड पे चलाते थे, जबकि वो गलत था. अब उनको भी फ्री कर दिया है कि अब आप, आपको आता है आप ट्रायल दीजिए और लाइसेंस बनवाइए. एक और है, बाय द इंसर्शन ऑफ सबसेक्शन इन सेक्शन 12 एन एप्लीकेंट कैन नाउ डायरेक्टली अप्लाई फॉर द क्लास ऑफ व्हीकल इन विच ही हैज रिसीव ट्रेनिंग थ्रू एन एक्रेडिटेड स्कूल. पहले क्या होता था कि यदि आपने मान्यता स्कूल से सर्टिफिकेट ली है, ट्रेनिंग है, तो आपको ट्रायल नहीं देना होती थी, लेकिन अब आपको है तो आप डायरेक्टली, ज़रूरी नहीं है कि आपको LMB आना ज़रूरी है HMB के पहले. आप यदि HMB की आपने ट्रेनिंग ली है हैवी मोटर व्हीकल, तो आप डायरेक्ट उसका बनवा सकते हैं. तो एक आवेदक सीधे उस वाहन के वर्ग के लिए आवेदन, वर्ग का, वाहन का वर्ग मतलब जैसे देखें टू व्हीलर्स या LMB लाइट मोटर व्हीकल्स, मीडियम मोटर व्हीकल्स या HMB हाई या कमर्शियल. तो जहाँ से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बट ट्रायल देना होगी, इसके बाद होगा. जो पहले रिन्यूअल ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस था उसको 3 साल से बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया है, और इसमें धारा 27 के तहत केंद्र सरकार को लाइसेंस जारी करने के तरीके और तरीके के नियम बदलने की, बनाने की शक्ति दे दी गई है. यहाँ पर ये जो था पहले हर स्टेट का अवर अलग अलग रहता था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया गया है. तो ये थे हमारे डिजिटाइट से संबंधित कि डिजिटल करें और जो अमेंडमेंट किए हैं ड्राइविंग लाइसेंस में. अब हम देखें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू मोटर व्हीकल्स में क्या अमेंडमेंट है. तो रजिस्ट्रेशन जो होता है, गाड़ी हम खरीदते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं RTO में. 88 में क्या था कि अंडर सेक्शन 41 ऑफ एग्जिस्टिंग एक्ट व्हीकल डीलर्स कैन नॉट कैरी आउट रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल. यानी जहाँ से आप वाहन खरीदते हैं, वाहन डीलर मोटर, वो वाहनों का पंजीकरण नहीं कर सकते थे. लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया है कि इसमें सेक्शन 41 में व्हीकल डीलर्स जो हैं उनको नए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन दे दी गई है. तो धारा 41 में प्रस्तावित संशोधन से अब वाहन डीलर नए वाहनों का पंजीकरण कर सकेंगे. द न्यूली रजिस्टर्ड व्हीकल्स विल हैव डिस्टिंग्विशेबल रजिस्ट्रेशन मार्क्स. और नए पंजीकृत वाहनों के अलग अलग पंजीकरण चिन्ह होंगे, जैसे हम देखते हैं MP, मध्य प्रदेश, MH, महाराष्ट्र, लाइक दिस. देर इज ऑल्सो प्रोविजन दैट फिक्सेस पेनल्टी फॉर डीलर्स हु फेल टू ड्यूली रजिस्टर अ व्हीकल और फॉल्टर इन देयर ड्यूटीज. सच डीलर्स कैन बी फाइंड अप टू ₹15,000. एक प्रावधान ये भी है कि जब डीलरों को दे दिया, चूंकि वो प्राइवेट है, वो रजिस्ट्रेशन ना करें, तो उनके लिए दंड निर्धारित कर दिया गया है कि जो वाहन का विधिवत पंजीकरण कराने में विफल रहते हैं, यानी आपको कोई व्हीकल बेचना है उसके पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया भी करनी है, या अपने कर्तव्य में लड़खड़ाते हैं, तो ऐसे डीलरों पर ₹15,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. तो एक हो गया अपना 9वें नंबर का, हो गया लाइसेंस से संबंधित. 10वें नंबर का अमेंडमेंट हो गया, हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित. अब पहले तो इन पे फाइन होते थे, अब इसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया गया. किन केसेस में देखिए, इनको मॉडिफाई किया है. स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर ड्रंक ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, वायलेशन ऑफ हेलमेट एंड सीट बेल्ट लॉज, शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, हेलमेट के उल्लंघन और सीट बेल्ट कानून के लिए कड़ी सजा दी गई है. ऑल द अमेंडमेंट्स इन द MB बिल इन द ऑफेंस एंड पेनल्टीज चैप्टर सीक टू प्रोवाइड स्ट्रिंग पेनल्टी फॉर ग्रेव ऑफेंसेज लाइक ड्रंक ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट एंड हेलमेट्स. इसमें सभी को कड़े दंड का प्रावधान करा है. रिविजन ऑफ फाइंस. फाइंस की बात करें तो जुर्माने का संशोधन, यहाँ पर कड़ा प्रोविजन देखिए, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कौन से कड़े प्रावधान किए गए हैं. अब फाइंस जो पहले लगते थे उनको रिवाइज किया गया है. 88 में देर इज जस्ट नो प्रोविजन फॉर अ स्टडी इंक्रीज ऑफ फाइन सो दैट द फाइंस आर कंसिस्टेंट विद द चेंजिंग इन्फ्लेशन लेवल. आप सभी जानते हैं महंगाई बढ़ती है, लेकिन फाइन की कीमत वही थी 88 में. उसमें ऐसा रूल नहीं था कि उसमें कोई इंक्रीमेंट हो, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट 19 में ये कर दिया गया है. इसमें एक नई सेक्शन 199B जोड़ दी गई है, जिससे कि इफेक्ट, यानी कि आप 1 अप्रैल हर साल में जो भी फाइन है उसको 10% तक बढ़ा सकते हैं.
तो मोटर वाहन एक नया प्रावधान धारा के अंतर्गत हर साल 1 अप्रैल को वार्षिक आधार पर 10% की दर से सभी जुर्माने में एक निश्चित वृद्धि को प्रभावी बना दिया। यानी 88 में 89 में जो फाइन लगता था वही 2018 में भी लगता था, लेकिन 2019 से ये हो गया है कि 2019 में जो फाइन लगता है 1 अप्रैल के बाद वही 1 अप्रैल 20 के बाद उसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी, फिर 21 में फिर वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए आप अमेंडमेंट बिल देख रहे होंगे कि 2019 आया है, 20 आया है, 21 आया है, उसमें जो चेंज है वो यही है कि जो फाइन का जो प्रोविजन बनाया है ये बढ़ा दिया गया है। देखिए फाइन क्या है, पहले ये 2020 के अकॉर्डिंग है, जनरल फाइन पहले 100 रुपये था, अब 500 रुपये होगा। 500 रुपये से कम कोई फाइन नहीं है। जैसे आपने रोड रेगुलेशन को वायलेशन किया है तो 100 से 500 कर दिया है, बिना टिकट आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस वगैरह में चल रहे हैं वहाँ 200 रुपये मिनिमम था तो 500 कर दिया है। यदि आप अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, डिसोबिडेंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटीज़ जो है, तो 500 की जगह 2000 कर दिया गया है। अथराइज यूज ऑफ व्हीकल्स विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के आप वाहन चला रहे हैं तो 1000 की जगह 5000 हो गया। अनऑथराइज यूज ऑफ व्हीकल्स विदाउट लाइसेंस और बिना लाइसेंस से गाड़ी चला रहे हैं ये 181 है, ये अनऑथराइज यूज है, यानी बिना उसके आप उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ पर आप एज है लेकिन आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 500 की जगह 5000, पहले ये 500 और 1000 था, लेकिन अब लाइसेंस नहीं है तो आप पे 5000 है। और ये 2020 में है और 21 में फिर इसमें 10% की बढ़ोतरी कर्ज की जा सकती है। ड्राइविंग विदाउट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपके पास लाइसेंस तो है लेकिन वो 2 व्हीलर का और आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो उस केस में 500 से 10000 रुपये है। वो विदाउट लाइसेंस नहीं है लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं है। ओवरसाइज व्हीकल, बड़े वाहन के आकार चला रहे हैं, पहले इस पर कोई फाइन नहीं था लेकिन अब 5000 रुपये है। ओवर स्पीड, जो अधिक गति पर चलाते हैं उसमें 400 रुपये था जो कि अब कार के लिए LMV के लिए 1000 है और मीडियम व्हीकल के लिए 2000 है। डेंजरस ड्राइविंग, कई लोग स्टंट दिखाते हैं, पहले 1000 था अब 5000 है। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने के लिए पहले 2000 था अब 10000 है। स्पीडिंग या रेसिंग कर रहे हैं तो 500 था जो 5000 है। व्हीकल विदाउट परमिट, बिना परमिट के वाहन चलाने पर पहले 5000 था जो कि अब 10000 तक है, अप टू, मतलब कम भी हो सकता है बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एग्रीगेटर, आपने देखा केब वगैरह जो है उसमें कोई लाइसेंस कंडीशंस रहती हैं, उसका कोई उल्लंघन कर रहा हो, पहले कोई प्रावधान नहीं था, अब 25000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का फाइन है। ओवरलोडिंग, आपने ये देखा होगा ट्रक्स में ज़्यादा होती है ओवरलोडिंग, 2000 रुपये और 1000 रुपये पर एक्स्ट्रा टन था जिसको बढ़ाकर 20000 रुपये और 2000 रुपये पर टन कर दिया है एक्स्ट्रा। आपने देखा होगा जो आप बसों में जाते हैं वहाँ पर भी पैसेंजर की ओवरलोडिंग करते हैं, तो पहले कोई प्रावधान नहीं था इसमें, अब 1000 रुपये पर एक्स्ट्रा पैसेंजर मिला आपको। किसी बस में 52 सीटर है उसमें 53 लोग मिले तो 1000 रुपये फाइन, 52 अब 52 की जगह 100 हो गए तो 48000 रुपये उस पर फाइन होगा। सीट बेल्ट यदि आपने नहीं लगाया गाड़ी में चलाते समय तो 100 की जगह 1000 रुपये है। हेलमेट नहीं पहना है तो 100 की जगह 1000 रुपये है, और हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये के साथ साथ आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। ओवरलोडिंग ऑफ 2 व्हीलर्स, ये देखते हैं हमारे परिवार के, मतलब एक हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग ऑफ 2 व्हीलर्स। इसके लिए पहले 100 रुपये था जो कि अब 2000 रुपये हो गया है और लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। नॉट प्रोवाइडिंग वे फॉर इमरजेंसी व्हीकल, जैसे इमरजेंसी व्हीकल होते हैं हमारे, एम्बुलेंस है या फायर फाइटर है, उसको रास्ता देने पर पहले कोई फाइन नहीं था लेकिन अब 10000 रुपये फाइन हो गया है। ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बिना आप व्हीकल चला रहे हैं, पहले 1000 फाइन था जो बढ़कर अब 2000 हो गया है। ये वाला आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखने में आता है जब आप कॉलेज में आते हैं, आपकी उम्र 18 साल नहीं हो पाती है पॉलिटेक्निक में स्पेशली, तो आप किशोर होते हैं तो आपके द्वारा जो ऑफेंस किए जाते हैं वो देखिए। आप इसमें पहले कोई प्रोविजन नहीं था लेकिन अब ये हो गया कि आपके जो गार्जियन है या व्हीकल का ऑनर है उसको अपराध के लिए दोषी माना जाएगा, 25000 रुपये 3 साल की जेल के साथ उस पर सजा होगी, 3 साल की जेल के साथ 25000 रुपये जमा करना होंगे, और जो किशोर है उसको अंडर JJ एक्ट उस पर ट्रायल चलेगी और रजिस्ट्रेशन जो गाड़ी का है वो कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा होता है कि आप जितने भी लोग हैं जो अपने दोस्त की गाड़ी लेकर चलाते हैं, लाइसेंस भी नहीं होता, उम्र नहीं है इसलिए, या आपके पापा की गाड़ी उठा करके आप जाते हैं,
ऐसे में यदि आप होल्ड हो सकते हैं तो नए नियमों के प्रावधान के तहत आपके पापा या जो गाड़ी का मालिक है उस पर 25,000 रुपये फाइन और 3 साल तक जेल हो सकती है। आपको जेजे एक्ट के अंतर्गत ट्रायल हो सकती है आपकी और मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन जब्त हो सकता है। इसको आप ध्यान से देखें, स्पेशली जो आपके द्वारा किया जाता है। उम्मीद है इसकी जानकारी होने के बाद आप ऐसा अपराध नहीं करेंगे। प्रॉपर लाइसेंस बनने के बाद ही हेलमेट पहनकर और इंश्योरेंस लेकर ही गाड़ी चलाएंगे। पावर ऑफ ऑफेंस टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को जब्त करने के अधिकारों की शक्ति पहले नहीं थी, अब ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त किया जा सकता है ये डिफरेंट सेक्शन के थ्रू। और ऑफेंसेस कमिटेड एनफोर्सिंग अथॉरिटीज, प्राधिकारियों को परिवर्तित करने के किए गए अपराध पर ट्वाइस द पेनल्टी अंडर द रिलेवेंट सेक्शन, यानी कि कोई व्यक्ति आप पर जुर्माना लगा रहा है और आपने उसके साथ कुछ मारपीट की तो आपकी पेनल्टी दुगनी हो सकती है। तो ये 2020 में है, इनमें बढ़ोतरी की जा सकती है जो अभी हमने देखा था रिविजन ऑफ फाइंस में। आइए नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी। तो मोटर व्हीकल एक्ट में ये एक स्टेट का सब्जेक्ट था, यानी राज्य सरकार का सब्जेक्ट था। करंट सिनेरियो विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रिक प्रवर्तन राज्य का विषय होने के कारण जो इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग के हैं वो अलग अलग राज्य में अलग अलग थे, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में इसमें नई धारा 136A जोड़ी गई है। इट पुट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी, स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेम। यानी कि पहले जो राज्यों के लिए अलग अलग था, अब पॉलिसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और उसका पालन जो है वो हर राज्य सरकारें क्रियान्वयन करेंगी। ये एक प्रोविजन इसमें किया गया है जिससे एक रूपता पूरे भारत में आ सके। ये वही जो मैंने भी बताया ऑफेंसेस बाय जुबिलिन, पहले किशोरों के द्वारा जो अपराध होते थे उसमें देखिए क्या था कि अंडर द 1988 उसमें क्या होता था कि यदि अनऑथराइज पर्सन ड्राइव कर रहा है उस पर 1,000 रुपये का फाइन या जेल 3 महीने की थी। कभी कभी उनको ऑकेजनली प्रोविजन ऑफ IPC आर इन्वोक्ड इन केस इन्वॉल्विंग डेथ और इंजीनियरी सच एज सेक्शन 109 ऑफ IPC विथ आइदर 301(2)(a) इन केस ऑफ डेथ और सेक्शन 337-339 ऑफ IPC इन केस ऑफ इंजरी। यानी यदि हम सरल भाषा में समझें तो पहले केवल 1,000 रुपये तक किशोरों के द्वारा जो वाहन चलाए जाते हैं 1,000 रुपये और अथवा इनमें 3 महीने की कैद, यानी 1,000 रुपये के साथ कैद भी हो सकती है या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता था कि भारतीय दंड संहिता में मृत्यु या चोट से जुड़े मामलों में लागू किया जाता था। तो मृत्यु के चोट में जो है वो 109 धारा लगाई जाती थी और चोट की दिशा में 337-339 की धारा लगाई जाती थी। अब इसने क्या किया 2019 में, इसको फाइन भी बता चुका हूँ कि द अमेंडमेंट विल अंडर सेक्शन 199 इनवोक्स एडल्ट अकाउंटेबिलिटी बाय प्रपोजिंग पेनल्टीज फॉर द गार्जियन ऑनर ऑफ द व्हीकल फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय जुबिलिंस। यानी कि धारा 199(a) के तहत संशोधन विधेयक किशोरों द्वारा दिए गए अपराधों के लिए वाहन के अभिभावक, यानी जिसका वाहन है वो या उसका मालिक, के लिए दंड का प्रस्ताव करके वयस्क जवाबदारी का आह्वान करता है। ये मतलब अब उस पर दंड भी होगा, किस पर, जिसकी गाड़ी है वो या उसके पालक पर। द गार्जियन ऑनर ऑफ द व्हीकल शैल बी गिल्टी विद अ फाइन ऑफ ₹25,000 एंड और इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years। यानी जो वाहन के अभिभावक या मालिक है उनको 25,000 रुपये के जुर्माना या 3 साल तक की कैद के साथ दोषी ठहराया जाएगा। वाइल द जुबिलिन विल बी ट्रायल्ड अंडर जेजे एक्ट, जबकि किशोर पर जेजे एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। एडिशनली द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेड मोटर व्हीकल विल बी कैंसल्ड और साथ युक्त मोटर पर पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल लाई ऑन द गार्जियन और ऑनर, और इससे में यदि कोई बोलता है, किसी का अभिभावक या मालिक बोलता है मुझसे बिना पूछे ले गया, तो सबूत का भार जो है वह अभिभावक या मालिक पर होगा। यानी ये बहुत कड़ा प्रावधान है जो कि पहले नहीं था। डेंजरस ड्राइविंग होती है, एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है बहुत नैरो स्पेस दैट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कॉमन ट्रैफिक ऑफेंस सच एज जंपिंग रेड लाइट, यूजिंग मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। फर्दर मोर कंसीडरिंग द नेचर ऑफ ऑफेंसेस द एग्जिस्टिंग द प्रिस्क्राइब्ड इज अ मर्ज ₹1,000। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में जो डेंजरस ड्राइविंग माना गया था उसमें बहुत संकीर्ण दायरा था। आम यातायात अपराध उस जैसे लाल बत्ती को क्रॉस कर देना, ड्राइविंग करते समय बात करना, इस पर ध्यान नहीं देता था।
इसके अलावा अपराधों की प्रकृति देखते हुए निर्धारित मौजूदा जुर्माना 1,000 रुपये था, लेकिन अब देखिए नए में क्या किया गया है। नए वाले 2019 में किया गया बिसाइड्स एनहांसिंग पेनल्टीज फॉर डेंजरस ड्राइविंग द अमेंडमेंट टू सेक्शन 24 हैज आल्सो ब्रॉडन द स्कोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेंजरस ड्राइविंग। यानी अब डेंजरस ड्राइविंग में देखिए अब क्या क्या जुड़ गया, टू इंक्लूड द एक्ट दैट आर कंसिडर्ड ड्राइविंग इन मैनर डेंजरस टू द पब्लिक सच एज जंपिंग अ रेड लाइट, वायलेटिंग अ स्टॉप साइन, यूज ऑफ हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस वाइल ड्राइविंग, हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन मीन्स मोबाइल, ड्राइविंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक दिस इज वन वे, एंड पासिंग और ओवरटेकिंग एनी मोटर व्हीकल इन अ मैनर कंट्रेरी टू लॉ। तो इसमें जो खतरनाक ड्राइविंग की परिभाषा है उसको ही दायरे को व्यापक कर दिया। इसमें कई कृत्यों को जोड़ा गया है जैसे खतरनाक तरीके से ड्राइविंग माना गया, जैसे लाल बत्ती को जंप करना, स्टॉप साइन है उसका उल्लंघन करना, वाहन चलाते समय हाथ से चलने वाले संचार उपकरण जैसे मोबाइल है उसका उपयोग करना, यातायात के प्रवाह के विरुद्ध यानी वन वे में गाड़ी चलाना, और किसी भी मोटर वाहन को कानून के विपरीत तरीके से पार करना या ओवरटेक करना। ये सभी को डेंजरस ड्राइविंग की परिभाषा में ले लिया गया, जो कि अमूमन हम देखते हैं हमारे यहाँ पर नॉर्मल फिनोमेना मानी गई है। मोबाइल पर चलते चलते बात करना, लाल बत्ती को क्रॉस कर देना, कहीं से भी रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना, ये पहले डेंजरस ड्राइविंग में नहीं थे जिनको कि अब जोड़ा गया है। दो और हैं मॉडिफाइड। 16वें नंबर का है पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। वाहनों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित अपराधों के लिए दंड जो है 88 में था, द एग्जिस्टिंग पनिशमेंट फॉर ऑफेंस रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 182 इज ₹1,000 फॉर द फर्स्ट ऑफेंस एंड ₹5,000 फॉर एनी सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। यानी मोटर वाहन अधिनियम 88 की धारा 182 के तहत प्रदान किए गए वाहनों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित अपराधों के लिए मौजूदा सजा पहले अपराध के लिए 1,000 और बाद में किसी भी अपराध के लिए 5,000 रुपये है, जबकि अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने अमेंडमेंट टू सेक्शन 182 एनहांस पेनल्टीज फॉर कंट्रावेंशन ऑफ चैप्टर सेकेंड बाय मैन्युफैक्चरर्स डीलर्स इंपोर्टर्स एंड ऑनर्स ऑफ मोटर व्हीकल। इट आल्सो प्रोवाइड्स अ पेनल्टी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू ओवरसाइज व्हीकल्स। इसमें क्या संशोधन किया है, मोटर वाहन के निर्माताओं, डीलरों, आयातकों और मालिकों द्वारा वाहनों के रखरखाव के उल्लंघन के लिए दंड को बढ़ाता है। ये दंड वाहनों के पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र पर जारी करने के लिए दंड का भी प्रावधान करता है, यानी इसको बढ़ा दिया गया है। द पेनल्टी, अब पेनल्टी क्या है, द पेनल्टी फॉर सेल और ऑफरिंग टू सेल और अल्टर इन कंट्रावेंशन ऑफ चैप्टर सेकंड सेल बी एन इंप्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 year और अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,00,000 रुपीज। इसमें जो किया गया है कि अध्याय 8 के उल्लंघन में बेचने या बदलने की पेशकश करने पर 1 साल तक की कैद या 1,00,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। द पेनल्टी फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 7 ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर सेल बी अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year और अ फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹100 करोड़। निर्माण के दौरान अध्याय 7 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने पर जुर्माना 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है, बढ़ाया सकता है, या जुर्माना जो 100 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। ये किस केस में बहुत बड़ा जुर्माना है, किस केस में कि जो प्रावधान दिए गए हैं उनका पालन नहीं किया जाए। द पेनल्टी टू ऑफर टू सेल और सेल सेफ्टी कंपोनेंट्स नॉट इन कंप्लायंस विद चैप्टर 7 सेल बी एन इंप्रिजनमेंट ऑफ 1 year एंड अ फी विच में एक्सटेंड टू 1,00,000 रुपीज। यहाँ पर देखिए सुरक्षा घटक, आप सभी जानते हैं कि अब जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं उन सब में बोला गया है एयरबैग्स लगाइए। अगर एयरबैग्स नहीं लगाते हैं, बिना एयरबैग्स के बेचते हैं करते हैं, तो 1 साल का कारावास होगा उनको या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना भी होगा। ये प्रावधान जो है वो किसके लिए, आप देखिए जो मोटर व्हीकल बना रहे हैं। पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, यानी जो वाहन बना रहे हैं या रखरखाव कर रहे हैं उन पर है ये। तो ये प्रोविजन सब सुरक्षा के लिए किए गए हैं। आखिरी वाला जो है वो है कि कंपनसेशन हिट एंड रन केस। आपने बहुत फेमस वो सुना होगा हिट एंड रन वाले केसेस के, टक्कर मारी और भाग गए, उसमें एक अपने देश के ही एक हीरो का भी काफ़ी बड़ा केस चला है, नाम लेना उचित नहीं होगा, आप सभी समझ रहे होंगे फिल्मों में जो काम करते हैं। तो पहले ये था इसमें कि द कंपनसेशन फॉर हिट एंड रन केस इज करेंटली ₹12,500 इन केस ऑफ अ ग्रीवियस हर्ट एंड ₹25,000 इन केस ऑफ डेथ। हिट एंड रन मामलों में मुआवजा वर्तमान में गंभीर चोट यदि है तो 12,500 और मृत्यु के मामले में 25,000 रुपये अब इसको बढ़ा दिया गया।
The proposed amendment to Section 161 of it is slated to increase the compensation in case of grievous injury to rupees 50,000 or higher and to rupees 2 lakhs or higher in case of death. यानी देखिए कम से कम मतलब ये तो कर ही दिया आप, इसमें गंभीर चोट के मामले में एक बड़ा रुपये 50,000 या अधिक कुछ भी हो सकता है और मृत्यु काल में 2 लाख रुपए या अधिक ये हो सकता है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने मोटर व्हीकल 1988 में किए गए अमेंडमेंट्स के बारे में जाना, जो कि 2019 के बारे में किए गए हैं, जिसमें 1 से 8 तक वो अमेंडमेंट्स थे जिसका कोई प्रोविजन नहीं था और जिसमें प्रोविजन था बट उनको अमेंड किया गया है 9 से 17 तक। तो इस प्रकार अब आप असाइनमेंट में एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं कि इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब आपको इसमें MV88 भी पढ़ना होगा, 19, 20 और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की बुक्स है। तो अमेंडमेंट्स के बाद अब हमारा पहला जो LO CO1 का LO1 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग ट्रैफिक, यातायात के संबंध में नियम और मानक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।